सेशन, तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कुछ ऐसा सा लिखा हुआ आ रहा था जब मैंने भी ट्राई किया था, और बल्कि मैंने आज ही ट्राई किया था सो दैट आपको ये चीजें पता चल पाए लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मेरी बात। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो काफी सारे क्वेश्चंस आपने पूछ रहे थे स्कॉलरशिप के ऊपर, मेरिट कमेंट्स की जो निकली थी। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो मैंने स्कॉलरशिप के ऊपर डाली थी, जिसमें कि एक नोटिस आया था और डिटेल के ऊपर मैंने उसमें बताया था कि स्कॉलरशिप की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट्स करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करे हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, वीडियो के कमेंट्स में। उसके बाद भी काफी सारे जो क्वेश्चंस थे वो आते जा रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मुझे मोस्टली जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, उस पर मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाला हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ये पार्ट वन है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो पार्ट टू भी मैं उसके लिए बना दूंगा। और अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप वाली वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता है कि कैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप उसके अंडर लाई करते हो, तो आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके जरूर से चेकआउट करना, जाके जरूर से इस वीडियो को देखना। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं कि यह मेरिट कमेंस स्कॉलरशिप जो निकली थी ये अभी तक ओपन क्यों नहीं हो रही है। कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी जो सर्विस है वो ऑलरेडी भर चुकी है, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, या ये लिखा रहा है कि सर्विस स्टॉप हो चुकी है सेशन के लिए, तो वो एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने भी इस चीज़ को देखा था, मैंने भी ट्राई किया था किसी स्टूडेंट का करने की, और वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई आ रही थी कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सेशन। तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कुछ ऐसा सा लिखा हुआ आ रहा था जब मैंने भी ट्राई किया था, और बल्कि मैंने आज ही ट्राई किया था सो दैट आपको ये चीज़ें पता चल पाए लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो क्या रीज़न है, किस वजह से वो लिखा आ रहा है, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आपके जो जो क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, कोई कह रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ क्या मैं भर सकता हूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सारे क्वेश्चंस का जवाब आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ, जितने भी ये पूरी क्यू एन ए के ऊपर वीडियो होने वाली है। बाकी अगर आपके और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी कम मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो सो डैट वहाँ पे आपके जो सवालों के जवाब हैं वो फटाफट मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने कमेंट्स ऑन कर लिए हैं मैंने, और कमेंट्स यहाँ पे अब मैं पढ़ पढ़ के आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स हैं उसका जवाब यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो उसमें से एक क्वेश्चन ये आया है कि लिखा हुआ आ रहा है, पोर्टल ये डिस्प्ले कर रहा है कि यू आर ऑलरेडी अप्लाई फॉर दिस सर्विस फॉर दिस अकेडमिक सेशन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस इशू। तो ये क्वेश्चन पूछा है इंद्रजीत कुमार ने। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ सर्वर एरर आ रहे हैं वेबसाइट पे, जिस वजह से ये लिखा हुआ आ रहा है। पहले ऐसा लिखा हुआ आ रहा था कि जो ये सेशन है इसका टाइम आउट हो चुका है, और अब ऐसा लिखा आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी अप्लाई फॉर दिस सर्विस। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको ये डर लग रहा होगा सुन के कि यार हमने तो अप्लाई नहीं करा, लेकिन ये कैसे लिखा आ रहा है अप्लाई कर दिया। तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी अभी स्कॉलरशिप खुली है तो सर्वर एरर है, आपको पता है गवर्नमेंट सर्विस से थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, तो ये कुछ दिनों में प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भरते हैं स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट है तो इसको ठीक जरूर करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप निकल रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करें, और उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। आप लोग 2 से 3 दिन में ट्राई करते रहिए, हालांकि जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है, तो उससे पहले पहले ठीक हो जाएगी, और आई थिंक अगर ये लेट ठीक होती है तो फिर जो डेट है वो भी बढ़ा दी जाएगी। अगली हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन जो हम लेते हैं, मैं डिप्लोमा कर रहे हूँ अभी सेकंड ईयर, ये स्कॉलरशिप कैसे फिल, और आई मीन इसको लिंक ऑफ मेरिट कॉम में स्कॉलरशिप। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था ये प्रियंका कुमारी ने पूछा, और इन्होंने पूछा है कि मैं डिप्लोमा कर रही हूँ और सेकंड ईयर में हूँ, तो क्या ये स्कॉलरशिप कैसे फिल। तो इनका आई थिंक क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंदर आती हैं, तो आप लास्ट वाले वीडियो से देख सकते हो कि जो दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं, न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ के बारे में आया था, वो सभी अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आप
उसमें अंडर ग्रेजुएट का कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, यूजी का आप कोई सा भी प्रोग्राम कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आई हैव राशन कार्ड बट फैमिली इनकम इज 2 लाख, एम आई एलिजिबल फॉर 100% स्कॉलरशिप। ऐसे काफी सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हैं जिसमें ये उन्होंने बोला है कि हमारे पास राशन कार्ड है पर हमारी फैमिली की जो इनकम है वो 2 लाख है, कोई 3 लाख कह रहा है, कोई 4 लाख कह रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप राशन कार्ड वाली अप्लाई कैटेगरी में करते हो तो वहाँ पे आपको जो अपनी इनकम डालनी पड़ेगी वो 1 लाख से कम डालनी पड़ेगी, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। वहाँ पे ऑप्शन आता है क्योंकि राशन कार्ड वाली कैटेगरी जो आती है वो कैटेगरी 1 में आती है और वो पुअर कैटेगरी में आती है, तो वहाँ पे जो आपकी इनकम डालनी है आपको 1 लाख से कम डालनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने जो कॉलेज में है वो कितनी इनकम दी है। हालांकि राशन कार्ड उन्हीं के पास होता है जिनकी जो इनकम होती है वो कम होती है 1 लाख से। तो अब मुझे यही नहीं पता कि आपके पास राशन कार्ड कैसे आया, बट जो भी राशन कार्ड है आपके पास तो आप इस चीज़ को देख लेना कि आपकी जो इनकम है आपने जो कॉलेज में दी हुई है वो कितनी वहाँ पे आपने लिखी हुई है। सो दैट आप ये चीज़ करो। मैं आपको कोई यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप राशन वाली कैटेगरी में अप्लाई करो या सेकंड कैटेगरी में अप्लाई करो। आपको वैसे उसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए जिसमें आप लोग रियल में हो, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो जो आपने कॉलेज में दी है, मैं इसमें कोई आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो कि अगर आप 2.5 लाख वाली कैटेगरी में आते हो तो आप 50% के लिए अप्लाई करो, और अगर आप उससे ऊपर आते हो तो उसके लिए अप्लाई करो, और बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे राशन कार्ड में कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पूरी की पूरी। इसमें मैं आपको कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, आई एम परसुइंग बीएड फ्रॉम आईपीयू यूनिवर्सिटी एंड आई एम डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू लास्ट ईयर एंड ग्रेजुएशन इन 2018 फ्रॉम डीयू। टुडे व्हेन आई वाज फिलिंग द स्कॉलरशिप फॉर्म देयर वाज नो ऑप्शन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर वाज आल्सो 2000, हाउ कैन आई फिल। तो रिया राय ने ये क्वेश्चन पूछा, तो मैं उनको पहले बता देती हूँ। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये जो स्कॉलरशिप है ये खाली यूजी स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये वाली स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए नहीं है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है, उनके लिए स्कॉलरशिप है। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी स्कॉलरशिप होती है, काफ़ी सारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोज़ वहाँ पर डालूँ बना के। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो कि स्कॉलरशिप के ऊपर मुझे बनानी चाहिए वीडियोस, बाकी स्कॉलरशिप के बारे में भी बताना चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप ज़्यादातर इंजीनियर्स को नहीं पता होता, और आईपी यूनिवर्सिटी में, डीटीयू में, एनएसयूटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट भरते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बतानी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसकी ज़्यादातर बच्चों को नीड रहती है। डेट्स वाई मनी वाली स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताया था। अब एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आई एम फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली एंड जनरल नॉट EWS बट माई फैमिली इनकम इज लेस देन 3 लाख, क्या मैं भर सकता हूँ इसको, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये आयुष सिंगला ने मैसेज पूछा, आयुष सिंगला ने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन वो दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो बाहर से हो लेकिन दिल्ली में आ चुके हो, दिल्ली में एडमिशन ले चुके हो, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो ये कोशिश करनी है कि दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और आप एलिजिबल हो। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में हो, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू और जो मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई थी, अगर आप उसमें पढ़ते हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आ रहे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो आप अपने कॉलेज में जाके पूछ सकते हो, बिकॉज जो स्कॉलरशिप होती है ये जब आप ऑनलाइन भरते हो उसके बाद जो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वही डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाके सबमिट करने होते हैं, और कॉलेज में वो जब वो क्रॉस चेक कर लेते हैं उसके बाद वहाँ से पास कर देते हैं, उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट के पास चली जाती है, उसके बाद आपकी जो अप्रूव हो जाती है। तो ये आपको समझना होगा। इसमें ट्यूशन फी फिल नहीं हो रही है और इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा, प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, हालांकि अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो अपने आप लिखी आ जाती है, या वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो। तो जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली सेट हो रखा है वहाँ पे, तो अपने हिसाब से वो दिखा देता है कि ट्यूशन फी इतनी है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कैसे भरना है वो पूरी डिटेल में वीडियो आएगी जैसे ये चीज़ें चालू होती हैं। बाकी अभी मेरे कुछ एग्जाम्स भी हैं, उस वजह से थोड़ी जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है वो कम है। आप देख रहे होगे कि वीडियो काफ़ी कम आ रही है चैनल के ऊपर, वो इसलिए आ रही है बिकॉज जो एग्ज़ाम्स हैं मेरे सेमेस्टर के वो स्टार्ट होने को हैं, तो उनमें मैं बिजी हूँ और अभी प्रैक्टिकल ख़त्म हुए थे, तो डैट्स वाई वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहेगी टिल फरवरी।
भाई राशन कार्ड बिहार का है तो कैटेगरी वन में अप्लाई कर सकते हैं क्या? कैटेगरी वन में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट राशन कार्ड आपको ये देखना होगा कि दिल्ली का ही राशन कार्ड होना चाहिए और आपका जो कॉलेज है वो भी दिल्ली से बिलोंग करना चाहिए। तो कई सारे जो क्वेश्चंस है उसमें ऐसा आ रहा है कि सर्वर एरर की वजह से ये लिखा हुआ आ रहा है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम फॉर्म भर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो स्कॉलरशिप है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के उसमें शो हो रही हो, लेकिन 5 से 6 दिन लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है स्कॉलरशिप को स्टार्ट होने में सर्वर इशू की वजह से। और यहाँ पे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ये भी हैं कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, पर उससे पहले ये स्कॉलरशिप स्टार्ट होनी चाहिए, और स्कॉलरशिप जैसी स्टार्ट होती है और मुझे टाइम मिलता है एग्ज़ाम से थोड़ा सा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं जो ज़्यादातर पूछे जा रहे थे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि अभी क्या लिखा हुआ आ रहा था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, लगभग 200 यहाँ पे कमेंट्स आ चुके थे लास्ट वाले वीडियो में, और अगर आपके कोई और डाउट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, बाकी इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हो। वीडियो में कई बार ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से मैं नहीं देख पाता हूँ कुछ कुछ कमेंट्स, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे पर्टिकुलर मेंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर मिल जाता, उसका क्वेश्चंस मैं आराम से रिप्लाई कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और अगर मैं नहीं भी कर पाऊंगा तो वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आपके सवालों का जवाब दे देंगे जो मैंने ऑलरेडी पहले भी दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं आप मुझे यहाँ पे नीचे पूछ सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन के मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिए हैं आप लोगों को, और आई होप आप सबको यहाँ पे काफ़ी हेल्प हुई होगी। कैन ड्रॉपर अप्लाई इट, या ड्रॉपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अंडर ग्रेजुएट में आप कोर्स करने चाहिए हो, अंडर ग्रेजुएट में आपने एडमिशन लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली स्टेट से एफिलिएटेड है, जो दिल्ली स्टेट से अप्रूव्ड है, तो आप कर सकते हो अप्लाई। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे उसका मैंने रिप्लाई कर दिया है, और जैसे मैंने बताया जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, और आई होप आप सबको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट भी अगर रिलीज करेंगे अगर आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस निकलते हैं, और स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप जानना चाहते हो कि और कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है, तो इस वीडियो को आप कमेंट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, और एजुकेशन लोन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी रिलीज करूंगा, बट अभी थोड़े एग्जाम्स की वजह से मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इस वजह से वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी टिल फेब, उसके बाद आपके अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बिकॉज काफ़ी सारे गेस्ट भी आने वाले हैं हमारे चैनल पे और आपको उनका एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करता ही रहूँगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपकी तरह इस वीडियो को फैला दीजिएगा ताकि हर बच्चे को स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।